a singular countable noun ending with o and a vowel comes before the o becomes plural adding s after itself. देखिए बोल रहा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका समापन क्या चीज से हुआ है, तो ओ से हुआ है, और उसके पहले किसकी चर्चा है, तो वोवेल की चर्चा है. आपको पता है कि वोवेल के कितने लेटर होते हैं, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है. तो यहाँ पे वोवेल लेटर की चर्चा की बात हो रही है कि नहीं. तो ए ई आई ओ यू में से कोई भी आपका एक वोवेल किसके पहले आ रहा है, तो ओ के पहले आ रहा है. तो ऐसे में उसको जब सिंगुलर से हम प्लुरल में चेंज करेंगे ना, तो उसके समापन में हम क्या लगाएंगे, तो एस लगाएंगे, है कि नहीं. यानी उसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, तो एस को ऐड करेंगे. मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका समापन ओ से रहेगा, और ओ से पहले आपका कोई एक वोवेल आएगा, ए ई आई ओ यू में से कोई भी आपका एक होगा, तो उसको सिंगुलर से जब प्लुरल में चेंज करना होगा, तो उसके लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, तो एस को ऐड करेंगे. ठीक है, हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल में. आप देख सकते हैं कि रेडियो समापन क्या चीज से, तो ओ से, और ओ से पहले यहाँ पे आपका आई क्या है, तो आई आपका एक वोवेल लेटर है, जिसके कारण यहाँ पे इसका प्लुरल क्या कर दिया, तो हम एस लगा के इसको प्लुरल बना दिए, रेडियो रेडियोस. नेक्स्ट देखते हैं बंबू, समापन ओ से ना, और ओ से पहले यहाँ पे आपका ओ क्या आपका एक वोवेल है, तो समापन क्या चीज से होगा, इसका एस से होगा, यानी कि इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, लास्ट में एस लगा के. नेक्स्ट देखते हैं कुक्कू, वही वाली बात है ना, तो यहाँ पर भी आप एस लगा के क्या कर दीजिएगा, प्लुरल बना दीजिएगा. फोलियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ है समापन से, और इसके पहले कि आई एक वोवेल है, तो समापन आप इसका एस लगा के इसको क्या कर सकते हैं, तो प्लुरल बना सकते हैं. चलिए हम लोग आते हैं रूल्स नंबर 5 पे. चलिए तो रूल्स नंबर 5 को हम लोग देखते हैं. बोल रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ एंड अ कंसोनेंट कम्स. देखिए कंसोनेंट तो आप लोग जानते हैं ना, 26 लेटर्स में से अगर हम ए ई आई ओ यू को अगर हटा दें तो 21 हमारे क्या बचेंगे, तो कंसोनेंट लेटर्स जैसे कि पी सी टी एक्सेट्रा. ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका समापन ओ से हो रहा है, लेकिन ओ से पहले किसकी चर्चा हो रही है, तो कंसोनेंट लेटर की चर्चा हो रही है. तो ऐसे में उसको जब हम सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करेंगे ना, तो अब की बार जो उसको लगाना है लास्ट को क्या लगाना है, तो आपको ईएस लगाना है, एस नहीं लगाना है. जब ओ से पहले वोवेल आएगा तो एस लगाइएगा, और जब ओ से पहले आपका कंसोनेंट लेटर आएगा तो ईएस लगाइएगा. ठीक है, जैसे देखते हैं लोग एग्जांपल में, मैंगो समापन क्या चीज से, तो ओ से, और ओ से पहले ये बताइएगा कि जी हमारा कौन सा लेटर है, वोवेल है कि कंसोनेंट है, और ऑब्वियसली हमारा क्या आ रहा है, तो ये कंसोनेंट लेटर है ना. तो लास्ट में इसका जब हम सपोज सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करना होगा, तो क्या लगाना होगा इसके लास्ट में, तो ये सब मिला लगाना पड़ेगा, मैंगो मैंगोस. अगला पोटैटो समापन ओ से, और ओ से पहले क्या है, तो आपका टी है, टी भी आपका एक कंसोनेंट लेटर है ना, तो इसको जब प्लुरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ईएस. ठीक है, नेक्स्ट मॉस्किटो, मॉस्किटो में भी समापन क्या चीज से, तो ओ से, और ओ से पहले टी क्या है, आपका एक कंसोनेंट लेटर है, तो समापन क्या चीज से करेंगे, आपको ईएस से, है कि नहीं, यानी कि प्लुरल बनाएंगे तो ईएस लगाएंगे. हीरो समापन ओ से पहले क्या है, आर, आर कौन सा लेटर, तो कंसोनेंट लेटर है ना, तो इसको भी प्लुरल बनाने के लिए इसके लास्ट में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ईएस को ऐड करना पड़ेगा, इसी प्रकार से और भी. ठीक है, तो ये थे आज के रूल्स जो कि आपके 5 थे. इसलिए जो आपका नाउन एंड नंबर का जो सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो नियम है वो आपका और भी चलेगा नेक्स्ट क्लास में. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय.